कंप्रेसर चालू नहीं होता है तो क्या करें? नंबर एक, सबसे पहले के कंप्रेसर स्विच में टर्मिनल में फेरुल 12, 13, 230 वोल्टेज एसी सप्लाई चेक करें। नंबर दो, प्रेशर स्विच के एनसी कांटेक्ट में कनेक्शन होना चाहिए। नंबर तीन, मोटर ट्रिप हो तो ओवरलोड रिले में ब्लू बटन दबाकर रीसेट करें। नंबर चार, उसके बाद कंप्रेसर के एक्चुएटर स्विच में फेरुल 12 एनओ कांटेक्ट में 230 वोल्टेज एसी सप्लाई चेक करें। नंबर पांच, एक्चुएटर चालू करने पर फेरुल 13 एनओ कांटेक्ट में 230 वोल्टेज एसी सप्लाई आना चाहिए।